इसी तरह से दोस्तों आप होटल के जैसा वेज मंचूरियन ड्राई या ग्रेवी घर पर ही बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरपीजी ट्रिक्स। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज़, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि सर चाइनीज़ में कोई डिश बनाई है, तो आज हम चाइनीज़ बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन ड्राई। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं जो वेज मंचूरियन का पकौड़ा है उसको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने प्याज ये इसको क्रश करके लिया है। इसको आप चॉप करके ले सकते हैं या फिर आपको क्विस करके भी ले सकते हैं। ये शिमला मिर्ची है जिसको भी हमने क्रश करके लिया है, और ये पत्ता गोभी है, कैबेज, जिसको भी हमने क्रश करके लिया है, या फिर आप बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कैरेट है तो कैरेट भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है कैरेट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और आपको क्रश करने के बाद में इसमें का जो पानी होता है इसको अच्छा सा निचोड़ लेना है ताकि ये सूखा बन जाए। और इसमें ऐड करेंगे हम अभी कॉर्नफ्लावर और मैदा, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है। तो दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं इसमें मैदा। इसके पकोड़े हमें तैयार कर लेना है पहले, और हम ऐड कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर। तो दोस्तों हमारा आटा फाइनली हो गया है रेडी। अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसके पकोड़े बना के लेंगे। तो दोस्तों हमने ऑयल रख दिया है, अभी हम इसके पकोड़े तल लेंगे। आप चाहिए तो ऐसा गोल भी ये बना सकते हैं, या फिर भजिया टाइप भी आप बना सकते हैं। इसको एक ही ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ताकि ये अंदर से ज़्यादा, अगर बड़ा आप करेंगे पकौड़ा तो वो अंदर से पकेगा नहीं। तो इस तरह से पकौड़ा थोड़ा ब्राउन होने देना है, इसको अच्छा सा फ्राइड कर लेना है ताकि ये कच्चा ना रहे। आज थोड़ा धीमा ही रखना है। तो दोस्तों जो वेज मंचूरियन का पकोड़ा हमारा रेडी हो गया है, अब हम मंचूरियन ड्राई बना लेंगे। मंचूरियन हम ग्रेवी वाला बनने वाले हैं, सेमी ग्रेवी। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। पकोड़ा तो हमने बना लिया है, आप देख पा रहे हैं ये सामने ओनियन है, कांदा है, और ये लहसुन है, हरी मिर्च है, और ये अदरक है। इसको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए और मंचूरियन भी काफ़ी टेस्टी बने। तो चलिए दोस्तों हम कढ़ाई रख देते हैं और हम बनाते हैं वेज मंचूरियन ग्रेवी सेमी। हमने ऐड कर लिया इसमें लहसुन, मिर्ची हम ऐड कर लेते हैं, अदरक ऐड कर लेते हैं, और ये प्याज भी हम ऐड कर लेते हैं। आपके पास स्प्रिंग ओनियन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। होटल में काफ़ी पॉपुलर डिश है ये, चाइनीज़ में आता है वेज मंचूरियन। इसमें ड्राई में भी आता है, ग्रेवी में आता है, और एक आता है सेमी ग्रेवी। हम बनाने वाले सेमी ग्रेवी, आपको ड्राई बनाना है ड्राई भी बना सकते हैं, ग्रेवी वाला बनाना है ग्रेवी वाला बना सकते हैं, और काफ़ी इजीली है ये, आप घर पर भी बना सकते हैं। हम लोग ये घर पर ही बना रहे हैं। दोस्तों इसको जो कटिंग करना है, जैसे हरी मिर्च और लहसुन, इसको बारीक कट लेना है, कट करके लेना है। जैसे चॉप भी आप कर सकते हैं, जिससे वो टेस्ट में लगता तो है लेकिन दांत के नीचे आता नहीं। जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा है। लिया इसके अंदर पकौड़े ऐड कर लिए हमने। सॉसेस हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर सॉस जिसको हम सिरका भी कहते हैं, चाइनीज में ये सॉस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है।
थोड़ा सा पानी हम ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक हम डाल देंगे। थोड़ा सा ब्लैक पाउडर हम ऐड कर लेंगे, जो कि काली मिरी होता है उसका पाउडर होता है। स्प्रिंग ओनियन है तो आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो भी चलता है, लेकिन है तो ज़रूर डालें। और हम ऐड कर लेंगे जो कॉर्नफ्लावर हमने पानी में मिला के रखा है। कॉर्नफ्लावर से इसको काफ़ी टेस्ट भी आता है और ये गाढ़ा बन जाता है। इस तरह से लगभग रेडी हो गया है मंचूरियन। हम थोड़ा लिक्विड इसमें रखेंगे, सेमी रखेंगे इसको। और ड्राई करना है तो आप ड्राई भी इसको कर सकते हैं। ग्रेवी वाला तो वही आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तो ये हो गया है रेडी। इसी तरह से दोस्तों आप होटल के जैसा वेज मंचूरियन ड्राई या ग्रेवी घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऐसे नए नए रेसिपीज हम लाते रहते हैं, जो कि होटल के जैसी रेसिपीज घर पर ही आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों, अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।